नमस्कार, मैं सुषमा सैनी और आप देख रहे हैं जीन प्लस न्यूज। राज्य मंत्री कमलेश डांडा जी ने कहा है कि सितंबर तक पंचायती राज चुनाव हो जाएंगे। अगले महीने तक चुनाव होने के लिए मंत्री ने संकेत दिए हैं, कहा तारीख फाइनल नहीं है पर सितंबर तक चुनाव हो जाएंगे। राज्य मंत्री कमलेश डांडा को बीजेपी ने जींद जिले का प्रभारी नियुक्त किया है। आज जींद के बीजेपी कार्यकर्ताओं को की बैठक लेने के लिए कमलेश डांडा जींद पहुंची थी। कहा बीजेपी चुनाव के लिए उन्होंने पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने सीबीआई रेड पर कहा, आम आदमी पार्टी एक लुटेरी पार्टी है और ये सच सबके सामने आ चुका है। देखिए, आज जिला जींद की पंचायती राज जो बैठक थी, आज हमारे कार्यकर्ताओं की सभी हमारी कोर कमेटी की रायशुमारी की बैठक थी और यहाँ का मुझे प्रभारी लगाया गया है। तो हमें यहाँ से हमारे सभी कार्यकर्ताओं की, सभी वरिष्ठ नेताओं की जो रायशुमारी थी, जो उनकी राय थी वो ली है और उन्हें का हमारे ऊपर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के पास भेजने का काम। तो मैम, इस पार्टी कब तक चुनाव हो जाएंगे मैम? क्या बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ेगी? देखिए, वो तो संगठन विचार करेगा, जो हमारा संगठन का फैसला होगा उसी के उस पर हम सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। और जो चुनाव की बात है वो शायद अगले महीने तक, अभी मैं तारीख का तो नहीं पता है, तो सितंबर का महीना तक तय हो जाएगा। मैम, जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो आपने बताया आम आदमी पार्टी एक लुटेरी पार्टी है, लोगों को बहकाने का काम करती है और जो इस तरह के काम करे आप सभी जनता के सामने है। सुरेंद्र